हर अच्छी चीज़ में समय लगता है, उस मंजिल तक पहुंच जरूर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। फेसबुक पे हजारों लोग होते हैं लेकिन दोस्त शायद कम होते हैं। जब ये क्राइम होता है उसके बाद पुलिस का कार्य प्रारंभ होता है। साइबर से बचने के लिए आपको अपने जो भी यंत्र हैं उनको सेफ बनाने की ज़रूरत है। आपको भी देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ज़बरदस्ती इसका शिकार नहीं होना चाहिए। जब तक हम दृढ़ निश्चय करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ देने की नहीं ठानेंगे तब तक इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। हर साल हम करीब 20,000-18,000 इस तरह लड़कियों को ट्रेन करते हैं 15-15 दिन। संडे पंजाब केसरी में आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं श्री संजय बेनीवाल जी, जो कि दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर हैं, जिनके पास मीडिया मैनेजमेंट और परसेप्शन सेल है, और उसके अलावा और भी कई अन्य विभाग हैं जिनको दिल्ली पुलिस का पुराना अनुभव है, चंडीगढ़ और कई अन्य राज्यों में भी पुलिसिंग का अनुभव है सर को। तो हम चाहेंगे सर, दोबारा से दिल्ली पुलिस में नई पारी खेलने के लिए आप आए हैं चंडीगढ़ से, तो अब क्या नया सर दिल्ली पुलिस में आपने किया है और क्या और करने वाले हैं? दिल्ली पुलिस में अपनी छवि को लेके हम लोगों का बहुत चिंता है इस बात के लिए, क्योंकि जिस तरह का कार्य दिल्ली पुलिस करती है, ये मेरा मानना है और दावा भी है कि कोई और पुलिस फोर्स का इतना ज़्यादा आउटरीच, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और इतनी नई जो चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो शायद ही किसी पे इस स्तर पे होते हो। उसके बावजूद भी हमारी वो पहचान उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो अपनी छवि को लेके हम लोग चिंतित हैं। इस कारण से ये एक नया परसेप्शन मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसका मैंडेट माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के परेड में भी इसके ऊपर बहुत अपने भाषण में भी चर्चा करी थी, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें हम लोगों का ये रहेगा कि हम प्रोफेशनल जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमेज जी बेस्ड हमारा जो कार्य के अनुजय, उनको हायर करें। उसके साथ हमारा संपर्क जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या एजुकेशनल हैं या और प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, जैसे सर्वे करना है या आपको किसी भी कम्युनिटी स्कीम या किसी भी चीज़ के बारे में फीडबैक लेना है, या स्टूडेंट्स आके रिसर्च करना चाहते हैं, या साइकोलॉजिस्ट को बुला के, बिकॉज हमारे पास डाटा का बहुत वेल्थ रहता है, तो ये जो एंगेजिंग कम्युनिटी का एक सुचारू रूप से अब इसमें कार्यक्रम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ब्रांडिंग कैसे हो, गाड़ियाँ कैसी दिखनी चाहिए, हमारी यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, हमारे इवेंट्स का क्या रूप होना चाहिए, कैसे हमारे एडवर्टीजमेंट आने चाहिए ताकि जो टारगेटेड ऑडियंसेस हैं उन तक उनका मैसेज पहुंच पाए। तो ये एक ऐसी स्थिति थी हम लोगों के लिए जहाँ पे कि हमें प्रोफेशनल हेल्प का ज़रूरत है, उसी की मद्देनज़र रखते हुए ये डिपार्टमेंट जो है ये नया एक बनाया गया है। तो इसको अभी शुरुआत हुई है। कितनी काम है अभी सर इसमें मिल रही है आपको लग रहा है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं? पसंद दिल्ली पुलिस कार्य बहुत अच्छे करती है, इसलिए पसंद तो जो हमसे मिलते हैं वो हमें करते हैं, ये तो विदित है, लेकिन जो हम लोग तक नहीं पहुंच पाते, जैसे स्कूली बच्चे हैं या अधिकतर सिटीजन, वो हमें उस तरह जानते हैं जैसा वो पिक्चर्स में, सीरियल्स में या और मीडिया के चैनल्स में जो देखते हैं उसके आधार पर वो एक निर्णय लेते हैं हम कैसे हैं, हम उससे बहुत अलग हैं। तो अभी तो ये महकमा बना है, इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे दिल्ली पुलिस की पास हिस्ट्री को देखें तो मुझे कोई शक नहीं है कि दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हमें इस
दिशा में भी मिलेगा जैसा अभी तक हमें मिलता आया है। और कोई कारण नहीं है कि हम हर घर घर में किसी न किसी रूप में पहुंचने में सक्षम होंगे। समय लगेगा, हर अच्छी चीज़ में समय लगता है, लेकिन हम उस मंजिल तक पहुंच ज़रूर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, दिल्ली पुलिस में आपको पुराना अनुभव है, 90s से लेके अभी तक 30-35 साल हो गए, तो तब में और अब में सर आपको क्राइम ने और पब्लिक में क्या बदलाव दिखता है? बहुत बदलाव आ गए, सभी कुछ बदल गया है। दिल्ली की लोग बदल गए हैं, दिल्ली की चलने की गति बदल गई। 90s में मेट्रो नहीं होती थी, अब हर कोई मेट्रो में चलता है, और जो आदमी मेट्रो में चलता है उसका एक जनरल स्मार्टनेस हो ही जाता है, उसको कितनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती। तो दिल्ली के में गाड़ियां तेज़ी रफ्तार, दिल्ली की रफ्तार बढ़ गई, और लोगों का एक हर एक अपना एंटरटेनमेंट भी इंडिविजुअल होता है। आप यूट्यूब पे खुद देखते हैं तो एक जो ग्रुप में पहले चीज़ें होती थी वो अब इंडिविजुअल होने लग गई। तो बदलाव बहुत आया है, उसी के रूप में हम लोगों में भी बदलाव आ गया। हम लोग एक तरफ टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो शायद लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम हो गया है। ये आज के सोसाइटी का एक बहुत अहम रूप है कि फेसबुक पे हज़ारों लोग होते हैं लेकिन दोस्त शायद कम होते हैं। तो इसमें उसी तरह से हमारे क्राइम में, क्राइम के पैटर्न में बहुत बदलाव आ रहा है। अब साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा, जैसे जैसे इस शहर की रफ्तार और बढ़ेगी, ये चीज़ें ज़्यादा गहन रूप से हमारे सामने आएंगी, जिनको के डील करने के लिए हमें और अधिक सक्षम होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपनी फोर्स की ट्रेनिंग और उनको उस तरह के क्राइम को वो उसको इन्वेस्टिगेट करने में सक्षम हो सके, इसके लिए तैयार करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो ये जो सोसाइटी में बदलाव आए हैं उसके कारण हमको भी बदलना अनिवार्य हो गया है, और उसके लिए हम सजग हैं, और उसके लिए कई स्तरों पे कार्य हो भी रहे हैं। सर, साइबर अपराध से निपटने के लिए आप लोगों की तैयारियां लगातार चल रही हैं, वो एक अलग तरह की चुनौती बन के आया है, तो पुलिस तो अपने स्तर पर कर ही रही है, सर पब्लिक को क्या करना चाहिए इन अपराधों से बचने के लिए? पब्लिक का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब ये क्राइम होता है उसके बाद मेरा पुलिस का कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले आपको जिस प्रकार अपने घर को महफूज रखने के लिए आपको खुद कुंडी या ताला लगाना पड़ता है, लगाने की ज़रूरत होती, उसी तरह साइबर से बचने के लिए आपको अपने जो भी यंत्र हैं उनको सेफ बनाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप पायरेटेड चीज़ें ना उसमें लगाएं, क्योंकि उनसे वायरस आता है। आप अनजान लोगों की कॉल्स ना सुने, ना ही अपना डाटा, ये बहुत सीखने की ज़रूरत है कि आप अपना डाटा शेयर न करें। जो ये स्कैमस्टर होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में कहते हैं अभी करो अभी करो, कहीं पे भी इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मैं आज के पेरेंट्स के लिए ज़रूर कहूँगा कि उनके बच्चों का प्राइवेसी एक चीज़ है, लेकिन वो कहाँ इंटरनेट पे जाते हैं, क्या देखते हैं, इस पे बहुत सारे पेरेंटल लॉक भी होते हैं, लेकिन आपको भी देखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग होता है, जो बच्चे बेचारे डर के मारे आवाज़ नहीं उठाते। ये आप लोग तो बड़े हैं, आपको आवाज़ उठानी चाहिए और ज़बरदस्ती इसका शिकार नहीं होना चाहिए। जिस समय इसका आभास हो उसी समय पुलिस को बताना चाहिए। इसके बारे में कंप्लेंट करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी गई है। आप स्वयं घर पे रह के गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उस पर कहीं से भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कंसर्न जगह पे पहुंच जाएगी और उस पर कार्रवाई होती है, अन्यथा हमारे साइबर
जो पुलिस स्टेशंस बने हैं वहाँ जाके भी करते हैं, कहीं पर भी जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इसके प्रति सजग रहिए, देखिए कि आपके बच्चा क्या एक्टिविटी करते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि जब ये होता है तो बच्चे का बिहेवियर बहुत बदलना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है जो अभिभावकों को पकड़ना चाहिए। मेरी ये अपने बच्चों को इस आतंक से महफूज रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम सभी की। और इसमें जब तक हम दृढ़ निश्चय करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ देने की नहीं ठानेंगे, तब तक इससे लड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो ये कार्य करते हैं वे कहीं और बैठे होते हैं, अनजान होते हैं, और उन्हें पकड़े जाने का शायद खौफ नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से इस विषय में बात करें, उनको इस विषय में एजुकेट करें, और यदि ऐसा होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए इस बारे में बताएं। यदि अभिभावकों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को इस बारे में नहीं पता, तो वे हमारे किसी भी पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिस में, थानों में, चौकी में संपर्क कर सकते हैं, बीट कांस्टेबल को बोल सकते हैं, हम आपके यहाँ आके आपको, आपकी क्लास को, आपके लोगों को, RWA को, जो भी हैं वहाँ पे आके हम लिटरेचर भी दे देंगे, वहाँ पे हम लोग लेक्चर्स भी कर सकते हैं, ताकि इस विषय के बारे में आपको जानकारी हो, उससे इसको लड़ने में आधी जीत हो जाती है। तो ये कार्य आप लोगों के लिए है, और आप लोगों को इसके प्रति ज़रूर कदम उठाने चाहिए। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ अब सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन के आ गया है, तो वो कितना आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस पर आजकल जो फर्जी वीडियोस और फर्जी कॉल्स वो बहुत परेशान करने वाली होती होंगी आपको, तो उसमें आप कितनी आपको उससे मदद मिल रही है सोशल मीडिया से, कितना आप उसकी समस्याओं का निपटान कर पा रहे हैं, और कितनी बड़ी चुनौती है आपको? चुनौती तो बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी है तो क्या, से तो हल तो हर चीज़ का ही होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक सोशल मीडिया सेल भी बना दिया है, उसका हमारे पास मेरे ख्याल दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स भी हमारे पास है, जिसमें हम खुद अपनी जैसे आपने फेक वीडियो की बात करी, उसके बारे में जो असलियत है वो भी हम उसके माध्यम से उन सोशल चैनल्स पे ज़रूर देंगे। उनके हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं ऐसे, जो कि हम इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि जो फेक वीडियो आ रही है, फेक न्यूज़ आ रही हैं, जिससे हमारा कानून की व्यवस्था को मेंटेन करने में तकलीफ होती है, उसके या दिक्कत आ सकती है, उसके बारे में हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है, कई स्तर पे होता है, और उसके बाद फिर हम उसको कैसे काउंटर करना है इसका भी हमारा सिस्टम है। तो इस पे हमारी कार्रवाई है। ये समस्या जटिल है, लेकिन इस पे काबू पाना असंभव भी नहीं। सर, जैसा कि आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताई, उसी तरह सर महिला और बुजुर्गों के लिए भी दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है, उनकी सुरक्षा जी, तो उस चैलेंज को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये जो मैंने अभी तक बोला आपको, और ये जो भी दो इशू आपने महिला और बुजुर्गों के लिए कहा, ये सब हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव में आता है, जिसमें कि हम एक विभागीय स्ट्रक्चर ढांचे में हम एक इन ग्रुप से कांटेक्ट का एक स्थिति बताते हैं, और उनके लिए हम अलग अलग किस्म के कार्यक्रम भी करते हैं, ताकि वे हमारे साथ जुड़े रहें और उनको अपनी समस्याओं को डील करने में सशक्त महसूस हो। जैसे आपने सीनियर सिटीजन्स की बात कही, उसका हमारा एक ऐप है जिसमें हम बीट कांस्टेबल्स को भेजते हैं, उन लोगों को रजिस्टर करते हैं जो अकेले रहते हैं या जिनको यदा कदा हमारी मदद की ज़रूरत होती है, तो वो रजिस्टर होने के बाद यदि वो हेल्प के लिए कॉल करेंगे तो हमारे बीट कांस्टेबल समय समय पे जाके, कई बारी हम लोग उनको दवाइयाँ भी दिला के लाते हैं, कई बारी अस्पताल भी लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और है ही नहीं, और चूंकि वे एक भारतीय नागरिक हैं इसलिए उनका एक
सुखमय जीवन पे उनका अधिकार है। इस कारण से हम लोग भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनको हम महफूज रखें और सेफ रखें। तो इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा अभी कार्यक्रम है और इसमें हम बहुत सारे सीनियर सिटीजन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और वे हमें जब कभी उनको कोई कानूनी प्रॉब्लम भी होती है या सामाजिक इशू भी आते हैं तो उसमें हम लोग इंटरवीन करते हैं, उसमें जाके उनकी समस्याओं का निदान भी कराते हैं और उन्हें एक सेंस ऑफ कि कोई है हमारा ख्याल रखने वाला, वो सबसे बड़ा देह होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत दिल की बात है कि हम इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। आपने महिलाओं के लिए पूछा, तो महिलाओं का भी जैसे जो अकेली रहती हैं या जो वर्किंग वीमेन हैं उनका एक अलग हमारा प्रोग्राम चलता है, उनके लिए कई जगह कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पे वो रहती हैं उनका वेरिफिकेशन भी किया जाता है ताकि उन्हें कष्ट ना हो। सबसे बड़ा जो हमारा एक प्रोग्राम होता है महिलाओं के लिए वह सशक्ति का है, जिसमें हम उन्हें अनाम ट्रेनिंग सिखाते हैं कि जब कभी वे ऐसी स्थिति में आए जहाँ उन्हें लगे कि उनकी उनको शरीर पे चोट आ सकती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का होता है या बस में जा रहे हैं वहाँ पे एक अप्रिय स्थिति में वे आ जाती हैं, तो उस समय जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनके द्वारा कैसे वे बच के उस स्थिति से अपने आप को सेफ कर सकती हैं। तो उसमें हम उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग 15 दिन की देते हैं जो निःशुल्क होती है और जगह जगह हर थानों में RW में उनके घरों के पास आके स्कूल्स में ये जिस समय कराई जाती है उसमें एक रजिस्टर होना होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको खुद पे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने हाथ का, अपने कोनी का, अपने जो अपने पैरों का, दुपट्टे का, कई तरह से कैसे आप अपने से भी बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली, शक्तिशाली इंसान को भी आप उठा के बड़े आराम से पटक सकते हैं। इसका मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा। एक सशक्तिकरण जमुना पार में हम लोगों का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गए तो वो तीन बालिकाएं बहुत छोटी छोटी 7वीं 8वीं की कक्षा की होंगी, पतली बिल्कुल, तो वो खड़ी थी, बोली अंकल हमें आपसे मिलना है। तो मैं बोला क्या हो गया बेटा? कहते हैं अंकल आपने जो हमें लोगों को पटकना सिखाया है अपने से बड़ों का उस समय बड़ा काम आया था। बोले क्या हुआ? तो बोले अंकल हम जब घर से आते हैं पैदल तो हमें एक पुल के ऊपर चढ़ के आना होता है, तो वहाँ पे एक 18-20 साल का लड़का था तो वो हमें तंग करने लगा। हमने कहा क्यों तंग कर रहे हो? तो बोला तुम्हें तो मैं तंग करूँगा, तुमने मुझे ऐसा बोला है तो अब आओ तुम। बेसिकली पावर गेम होता है। तो उन्हें कहते हैं तब अंकल हमें ध्यान आया हमें तो पटकना आता है। कह रहे उसने हमने उसे उठा के पटका और उसको ठीक कर दिया, उसके बाद आगे आगे वो और पीछे पीछे हम। कह रहे उस समय उस लड़की की शक्ल देखने वाले, कह रहे अंकल मुझ में इतनी ताकत आ गई, पतली सी लड़की, कहते अब वो मुझे छेड़ के देखे। मेरा पॉइंट ये है कि उस लड़की को हमने अपने आप को उसमें एक इतनी शक्ति का वो दिया कि उसको उसके अंदर की शक्ति जागी और उसने रियलाइज़ किया कि वो क्या नहीं कर सकते। तो ये कॉन्फिडेंस इस प्रोग्राम से बहुत आता है। मैं आपके सारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनको ये मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पे तवज्जो दीजिए। ये हमारा उवैक एक यूनिट है जो कराता है, हर साल हम करीब 20,000-18,000 इस तरह लड़कियों को ट्रेन करते हैं 15-15 दिन निःशुल्क। इसको ज़रूर सीखिए, ये कई बारी आपको बहुत सारी अप्रिय घटनाओं से बचने में आपको मदद और कारगर सिद्ध होंगे। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारे इन कार्यक्रमों में आके शरीक होंगे और आपका इंतज़ार रहेगा। सर लास्ट आपसे, सर 15 अगस्त एक बड़ा चैलेंज रहता है, आप DCP नॉर्थ भी रहे हो, लाल किला आपके उसमें रहा है, कितने 15 अगस्त आपने शांतिपूर्ण निकाले, तो इस बार सर और हर बार एक नई चुनौती होती है 15 अगस्त को करना जी, इस बार कैसा क्या है आपको लगता है? नहीं, चुनौतियाँ देखिए 15 अगस्त हर साल एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्यक्रम होता है और हमें बड़ा गर्व है कि हम इस चुनौती को बखूबी निभाते हैं। और मुझे कोई शक नहीं है कि अब की बार भी जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरह से
जो हमारे एंटिसिपेटेड हमें है कि थ्रेट्स हैं उसका जो काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं वे बेहतरीन हैं। और मुझे ज़रूर है कि हम लोगों की मेहनत के कारण इस बार भी हमारा स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष की तरह बहुत खूबसूरत जाएगा। सर, दिल्ली के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं आप 15 अगस्त को लेके, कितना क्या आपको रोल दे और रहे उनका? आप हर घर तिरंगा, आप लोग अपने घर पे अपने देश का प्रेम दिखाने के लिए आप ज़रूर तिरंगा फहराएं, मैं भी फहराऊंगा, आप भी फहराएं। उसके साथ साथ महफूज रहें, सेफ रहें, अपने चारों तरफ सजग रहें। यदि कोई आपको लगता है कि अनजान आदमी जिसके बारे में जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए या कोई ऐसी लावारिस चीज़ जो वहाँ नहीं होनी चाहिए उसके बारे में ध्यान रखें, हमें इसके बारे में 112 पर या पुलिस जो भी नज़दीक का आपको दिखते हैं उनको तुरंत सूचित करें। इसमें बहुत लोगों की हम सब यदि सजग हैं तो हम दिल्ली, अपनी दिल्ली को, हमारी दिल्ली को हम महफूज रख पाएंगे। मुझे बहुत गर्व है कि आप लोग हमारे पुलिस परिवार के बच्चे हो और जब आप लोग अच्छा करते हैं तो हम सबको बहुत गर्व महसूस होता है, जैसे पिता को होता है। आप लोग नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में आप लोग भाग ले रहे हैं और उसमें दिल्ली पुलिस और अपनी मेहनत के झंडे गाड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप आगे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाएं और वहां पर भी सफलता का परचम फहराकर अपनी मेहनत के रंग से आप खूब सरोबर होकर आएं और एक बार फिर हम इस आपकी जीत का जश्न मनाया करें। आपकी इस सफलता से आपके बहुत सारे भाई बहनों को एक उम्मीद जागती है, एक नया कार्य करने का हिम्मत आती है। तो आप लोग उनके लिए एक रोल मॉडल होंगे कि मेहनत करने से, अपने अंदर कॉन्फिडेंस से मेहनत करने से बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे रास्ते और बहुत सारा सफलताएं आपके सामने आती हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मेहनत को और करें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें ताकि और बच्चों को आप जैसा बनने का एक प्रोत्साहन मिले। बहुत बहुत आपको फिर एक बार बधाई और मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं भी। तो ये थे हमारे साथ संजय बेनीवाल जी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर की खुलकर बातचीत। दिल्ली को महफूज रखना है तो दिल्ली के लोगों को भी साथ आना होगा, ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कहने का। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी।